भाजपा से चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी और सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने बताया कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सहजनवा विधानसभा में जितने भी 7 वर्ष में विकास कार्य हुए हैं उस विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और गीडा को नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, सहजनवा विधानसभा में जितने भी बचे हुए कार्य हैं, रोडवेज, सड़क, नाली के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान और रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और पिछले 5 सालों में गोरखपुर के साथ प्रदेश का विकास हुआ है। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने पर चिल्लूपार की जनता के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, बाढ़ से निजात, बचे हुए गाँव में नदियों को जोड़ने वाले पल को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिल्लूपार के विकास के लिए धुरियापार में एथनॉल कंपनी शुरू हुई है, जिसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वहां पर रोजगार के अवसर पैदा हों और वहां के लोगों को वहीं पर रोजगार मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला, चिल्लूपार के प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी, MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, आज नामांकन किए हैं, क्या प्रमुखताएं रहेंगे सहजनवा विधानसभा के लिए? सहजनवा विधानसभा में जो भी 7 साल में विकास हुए हैं उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और जो गीडा है सहजनवा विधानसभा का मुख, उसको नोएडा की तरह बनाया जाएगा। हर कार्यकर्ताओं का सम्मान, विकास, रोजगार सब बढ़ाया जाएगा। जनता के लिए क्या क्या प्रमुखताएं रहेंगी? जनता के लिए जितनी आवश्यक चीज़ है, रोड, जो भी बचे हैं, जो भी बचे कार्य हैं उसको पूरे किए जाएंगे। मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? नामांकन किया है हमने, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकास के मुद्दे पर जो है वो उत्तर प्रदेश विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। चिल्लूपार में भी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने पुराने राष्ट्रीय और सनातन संस्कृति के परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, विकास के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित चिल्लूपार के लिए, स्वाभिमानी उत्तर प्रदेश, स्वाभिमानी चिल्लूपार के लिए ये चुनाव हो रहा है। क्या प्रमुखताएं रहेंगी चिल्लूपार के लिए? चिल्लूपार का सर्वांगीण विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क से लेकर के रोजगार, नौकरी, उच्च शिक्षा, उच्च टेक्निकल एजुकेशन, बाढ़ से अस्थायी निजात, बचे हुए गाँव में सड़कें, बचे हुए नदियों पर गाँव को जोड़ने वाले पुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चिल्लूपार का चतुर्थ विकास, जो गीडा की स्थापना, विस्तार गीडा से लेकर सहजनवा से लेकर और धुरियापार, चिल्लूपार की धरती पर पहुंचा है, उसका शीघ्र शुरुआत करा, जिसमें एथलान प्लांट शुरू भी हो चुका है, वहां पर उद्योगों का जाल बिछवाना ताकि लोगों को रोजगार के और अवसर वहीं मिल सकें, नौकरियाँ मिल सकें और लोगों का जीवन और बेहतर हो सके। नामांकन हो रहा है जी क्या करना है? चिल्लूपार को अपराध मुक्त बनाना है और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपराधियों को राजनीति से बाहर खदेड़कर उत्तर प्रदेश में वैचारिक राजनीति की दिशा को आगे बढ़ाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि चिल्लूपार में इस बार कमल खिलेगा। पूरी ताकत से जनमानस राजेश त्रिपाठी को विजयी बनाने के लिए आज ही से लग गया है और इनकी जीत सुनिश्चित कराना हम सब का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि राजनीति से अपराधियों को बाहर खदेड़ा जाए।